पेन मुझे या मेरे देश को लगी है, वो जो पेन देने वाले हैं उनको भी लगनी चाहिए। ये मैंने कहा है और वो मन से कहा, और इसलिए मैंने पर्पसली कंफ्यूजन न करें इस, नहीं एक मिनट में, कोई कंफ्यूजन न करें इसके लिए मैं दो चीज़ें कहूँ। ये मेरा पर्सनल राय है, गवर्नमेंट की राय नहीं है। इसका मतलब ये गवर्नमेंट की राय नहीं है, ऐसी नहीं है, लेकिन मैं मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कह रहा हूँ ये। और दूसरा उसमें कहा इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट सेइंग दैट वी विल डू दिस और विल डू दैट, लेकिन इसमें हम लोग अस्वस्थ है और उसके ऊपर मिशन हम लोग जरूर निकाल, ये होना नहीं चाहिए। ऐसी सह नहीं जा कर सकते, बहुत हो गया, सहने की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। हम लोग तो एज ए रक्षा मंत्री मेरी खत्म हो गई, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करें, आपको दिखेगा। एक बरस रहा देखो क्या होता है। DSC इज डेडिकेटेड फोर्स, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं, उसके ओरिएंटेशन में कुछ खामियां हैं, वो हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बेस का कमांडर जो होता है उसकी होती है। सो उनको सबको अपने अपने एयरफोर्स बेसिस को सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए कहा गया है। सिक्योरिटी ऑडिट मतलब सिंपल लॉजिक है, कहाँ से आपकी इसकी बेस की सिक्योरिटी ब्रीच कर सकते हैं ये देखो, और वो ब्लॉक करने को कहा है। बाद में उसका सेकेंड राउंड उसमें से क्लासिफाई कर रहे हैं कौन से बेसिस ज़्यादा सेंसिटिव है, कौन से बेसिस उससे कम सेंसिटिव है, और कौन से बेसिस है वो इतने सेंसिटिव नहीं, तो वो हिसाब से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के जो कुछ तरीके हैं वो मैं चर्चा नहीं करूँगा, हम लोगों ने चर्चा की है, क्योंकि वो चर्चा करना मतलब सिक्योरिटी धोखे में डाल देना। लेकिन उसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी ऑडिट, प्राइमरी सिक्योरिटी ऑडिट बाय द बेस कमांडर, सेकेंडरी सिक्योरिटी ऑडिट नेक्स्ट मंथ फरवरी में बाय स्पेशल टीम्स। मैं अभी बोल दिया कि राजस्थान में कम से कम एक डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट मन में है, अभी फिक्स नहीं हुआ है, हेलीकॉप्टर या फाइटर प्लेन बनाने के पुर्जे या जो कुछ ये बारे में सोचा जा सकता है। हो गया ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में, वो टेबलेशन हो रहा है इस महीने में, कभी तो इस महीने में आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली।